गुड मॉर्निंग, मैं पिंकी धनखड़ फ्रॉम जीजीपीएस कुमासपुर सोनीपत से। आज का मेरा टॉपिक है मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं। तो मत देखें कि शहद कैसे बनाती हैं। आप सभी ने अपने घरों में शहद तो देखा होगा, हमने इस फॉर्म में भी शहद देखा है। सर्दी शुरू होते ही मम्मी रात को हमें शहद देती है ना, लेकिन असल में शहद कैसे मिलता है? पेड़ों पर मधुमक्खियाँ झुंड में होती हैं और ये शहद बनाती हैं। शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों तीन प्रकार की होती हैं, एक रानी मधुमक्खी, एक मादा और एक नर। जो मादा मधुमक्खी है वो शहद बनाती है, वही फूलों पर उड़ उड़ के जाती है। रानी मधुमक्खी बच्चे पैदा करती है। ऐसे अपने पेड़ से उड़कर मधुमक्खी कहाँ जाएगी? ये मधुमक्खी मधुमक्खी अपने पेड़ से उड़ती उड़ती ऐसी जगह को देखती है जहाँ पर फूल हों, और वो फूलों पर मंडराती हुई घूमती हुई जाती है। एक मधुमक्खी एक बार में 40 से 50 फूलों का रस अपने मुंह में लेती है, चूसती है, जिसे कि हम नेक्टार कहते हैं। और यह नेक्टार एक तरह का मीठा जल होता है। उसको चूसने के बाद वो अपने पेट में उसे ले जाती है। पेट में ले जाने के बाद यह दो तरह का हो जाता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। जो ग्लूकोज होता है बेटा, ग्लूकोज के अंदर क्या होता है? एसिड। और उस एसिड को ये ख़त्म कर देती है, जैसे कि आप सामने देख रहे हो, एसिड को वो अलग कर देती है, जिसके कारण शहद सालों साल तक खराब नहीं होता। उसके बाद जैसे उसका पेट भर जाता है, वो उस फूल से उड़ जाती है। एक मधुमक्खी दूसरी मधुमक्खी को अपनी लार में छिपा हुआ जो नेक्टार है उसको दे सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे रास्ते होते हैं जहाँ से ये उड़ उड़ कर रस लेके आती है। फिर दूसरी मादा मधुमक्खी उसे ले जाकर छत्ते में इस तरह के बॉक्स बने होते हैं उनमें रख देती है। जो छत्ता है वो मोम का बना होता है, और वो उसको उसमें रखने के बाद वो एक शहद तैयार करने में बेटे 15 दिन लग जाते हैं। इस तरह से हमें ये मीठा स्वादिष्ट शहद मिलता है। तो आज आपने जाना कि हमारे घरों में जो शहद है वो कहाँ से आता है। अब देखिए शहद के फ़ायदे क्या हैं। ये हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है, इससे हमारी त्वचा बहुत ही निखर जाएगी और साफ रहेगी। अगर इसे हम रोज़ ठंडे पानी में मिलाकर पिएंगे तो इससे हमारे पेट में कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से भी बचा जा सकता है।